तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ हुसैन। मैंने एक चैनल बनाया हुआ आसिफ इलेक्ट्रिकल, तो मैं आपको इसमें हर चीज़ की मालूमात दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक की। मेरा मिशन है कि मैं बेरोज़गारी ख़त्म करूँ, तो मैं आज आपको इसी से करने बताऊँगा कि एक स्त्री मेरे पास आई है जो है बंद हुई हुई है और चल रही नहीं है, ये शार्ट सर्कट दे रही है डायरेक्ट, देखे ना शार्ट हुई हुई है, बंद है बिल्कुल डायरेक्ट एकदम धमाका, इन्हें स्पार्क हुआ है। तो उन्होंने कहा ये स्त्री के बैक साइड स्पार्क हुआ है और बंद हो गई है, तो लिहाजा अब मैं ये स्त्री चेक करूँगा इसमें क्या मसला हुआ है। तो सबसे पहले हम बैक साइड खोलेंगे और देखेंगे कि क्या मसला हुआ है जो ये इसमें स्पार्क हुआ है पिछली साइड पे बैक साइड पे। तो ये हमने बैक साइड खोल के रखी है यहाँ, और ये देखें अंदर तारा जो है जली हुई हैं जिसकी वजह से स्पार्क हुआ है। तो आपने इसके तारें खोलनी है आराम से, और ये देखें तारें अंदर जली हुई हैं, तो हमने ये आराम से तारों को काट लेना जितनी जली हुई हैं, और देखना है कि तार जो है वो सही है कि ख़राब है। तार हमने इतनी काट लेनी है, और काटने के बाद अंदर जो तारें हैं उनको छीलना है ताकि हम चेक कर लें कि तार सही है कि ख़राब है। अगर तार भी ख़राब होगी तो फिर तार हम चेंज करेंगे, अगर तार ठीक होगी तो फिर हम यही तार इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सीरियस बोर्ड से तारें चेक करनी है, तारों को छील लेना है, और सीरियस बोर्ड बनाने का तरीका मैंने आपको पहली वीडियो में सिखलाया है, तो आप लोग मेरी वीडियो पे सीरियस बोर्ड बनाने का तरीका चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। तारें छीलने के बाद थोड़ी थोड़ी फोल्ड कर लें ताकि इसी में हम पेज आराम से कसे जाएंगे हमारे। तो हमने तारें छील के थोड़ी थोड़ी ऐसे करके फोल्ड कर ली है, देखें ठीक है। अब हम तार चेक कर लेते हैं, ये हमारा सीरियस बोर्ड है, इसमें हम तार लगानी है और सीरियस और चेक करना। ये देखें अब शार्ट नहीं है, अब हम तार जुड़ेंगे तो बताएगा कि बल्ब जलेगा, इसका मतलब है तारें ठीक है। ठीक है, अब हमने अगला हमारा मिशन जो है हमने तारें अंदर जो पेच लगे वो खोलने हैं, एक बल्ब के पेच और इसी के पेच, और जहाँ से आपने खोलने हैं वहीं लगाने हैं। ठीक है, तो हमने तीन पेच इसके अंदर होते हैं, वो पेच खोल लेने हैं, तो पेच संभाल के रहने क्योंकि पेच ये पेच छोटे होते हैं घूम जाते हैं तो दोबारा मिलते नहीं है। ये देखें अंदर जले हुए हिस्से भी हैं, और ये देखें अंदर से इस तरीके पेच खोल लिए हैं, एक दो तीन पॉइंट होते हैं। इस पॉइंट के साथ हमने जो सीधे हाथ में पॉइंट आपके आगे उसमें एक हमने तार लगानी है, मेन तार जो इस तरीके तार है एक मेन तार लगानी है, और साथ में एक बल्ब की तार लगानी है। ठीक है, तो हम एक तार जो है ये तार हमारी जो है इसके साथ हम एक मेन जो इसकी है इसकी तार की वो लगाएंगे, और दूसरी हम बल्ब की लगाएंगे। दो तारें इकट्ठे हमने ना एक बल्ब की वायर और एक मेन वायर तो हमने इसके अंदर कसनी है। ठीक है, ये देखें हमने एक तार बल्ब की और एक जो स्त्री की मेन तार वो अंदर लगा दी है। अब इसका दूसरे पॉइंट पे जो हम खाली बल्ब की जो एक तार रह गई थी वो लगाएंगे। तमाम दोस्त चैनल को मेरा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो आपको भेजता रहूं और बनाता रहूं। मेरा मिशन है कि लोग बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, लोग अपने घरों में काम करें या दुकान करें। और ये देखें जी मैंने एक बल्ब की तार भी लगा ली है जो रह गई थी, अब एक तार मेरे पास बची है जो मेन थी, एक तो मेन मैंने लगा दी थी साथ में, उसके बाद बल्ब की तार और एक तार रह गई थी, इस पर अब मैं लगाऊँगा जो पॉइंट खाली रह गया था उस पर। पेचों का ध्यान रखना क्योंकि पेच छोटे छोटे होते हैं, ये घूम जाते हैं उनके अक्सर पेच ना, तो फिर मिलते नहीं हैं हम, तो हमारी तो शॉप है हमें वहाँ से ला के लगा सकते हैं, तो आपको मिलना मुश्किल होगा। तमाम दोस्तों को मसला नज़र आए तो मुझे कमेंट्स करें तो बताएं, तो मैं उसका वो मसला हल कर दूँगा। इलेक्ट्रिक के मसले में वायरिंग का, इस्त्री, रूम कूलर, मोटरों का जो भी कोई मसला है वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए अगली वीडियो बना सकता हूँ उनके लिए। और पेच ये ध्यान से टायर अच्छी तरह से कर लेना ताकि तारें जो है स्पार्क ना हो, पेच की लूजिंग की वजह से तारें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। ये देखें ये दूसरी जो तीसरा पॉइंट रह गया था उसमें मैं मेन जो रह गई थी एक स्त्री की तार वायर की वो लगा दी है। पहले पॉइंट में स्त्री की मेन जो तार उसके पॉइंट का है और एक बल्ब की तार लगनी है, दो तारें इकट्ठे लगनी है, एक स्त्री की और तार की और एक बल्ब की। दूसरे पॉइंट में बल्ब का जो एक तार रह गई थी वो लगनी है, तीसरे पॉइंट में जो स्त्री के वायर की एक तार लगी थी वो लगनी है। ठीक है, अब हम इसको बंद करेंगे, और ये स्लीप है इसकी स्त्री की कवर की स्लीप वो साइड पे करेंगे, ये कवर लगेंगे बैक साइड का,
और इसे हम टैट करेंगे। ये इसका आंख, जो इसकी सीधी आंख है, इसकी आई लगा देनी है, उसे बंद कर लेना है। अब हम इसे चेक करेंगे सबसे पहले टेस्टिंग बोर्ड पे, सीएस बोर्ड पे, कि ये काम कर रही है कि नहीं। अभी तो बल्ब जला है, अब ये देखें, अब ये देखें, मैं पीछे किया है 1-2-3 पॉइंट से पीछे किया तो बल्ब बंद हो गया, अब आगे किया है तो स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि इसलिए ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट वाटर पे लगा चेक करेंगे। ये देखें, हमने वाटर पे लगाई है इस्त्री, और इस्त्री की लाइट नज़र आ रही है आपको, जा रही है और बंद हो रही है, ठीक है। अब ये बंद हो रही है, जा रही है, इस्त्री हमारी ठीक हो गई है, ठीक है। किसी को कोई मसला दरपेश हो तो वो मुझे कमेंट्स करके बता सकता है, और अगली वीडियो में जो एक वीडियो बनाऊँगा वो भी इस्त्री के मतलब बनाऊँगा, तो आप वो भी वीडियो मेरी देखना। आपको मैं मुकम्मल पहले इस्त्री सही करने सिखाऊँगा, इस तरह आस्ता स्टेप बाई स्टेप मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी सपोर्ट करें। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।